नमस्कार, मैं अमित कुमार, आप देख रहे हैं टीवी समाचार। टीवी समाचार की टीम इस वक्त देवरिया के गौरी बाजार नगर पंचायत में है। आज थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा बोलिए। हाँ, आगे आ जाइए। नमस्कार, मैं अमित कुमार, आप देख रहे हैं टीवी समाचार। टीवी समाचार की टीम इस वक्त देवरिया के गौरी बाजार नगर पंचायत में है। आज हमारे साथ वो प्रत्याशी हैं जो कभी समाजवादी पार्टी से चेयरमैन हुआ करते थे इसी गौरी बाजार में, लेकिन इस बार उनका साइकिल की जगह इस बार तीन पहिया हो गया है, रिक्शा हो गया है। और यही नीलेश जायसवाल जी हैं, सबसे पहले इनसे हम बात करते हैं। सर, अब तो साइकिल बदल गया है और आपको रिक्शा मिल गया है। प्रमोशन हो गया है मेरा। प्रमोशन आपका हो गया है? हाँ, 45 लाख रुपया लोग लेके और मुझे प्रमोशन कर दिए हैं। इस बार साइकिल से तेज चलेगी क्या तीन पहिया? और जनता हमको उम्मीद है कि हम मेरा 2 साल के कार्यकाल रहा है और मुझे विश्वास है जनता पे कि मेरा साइकिल से ज्यादा तेज रिक्शा चलेगी। यहाँ किससे लड़ाई है, यहाँ गौरी बाजार में किस प्रत्याशी से सबसे ज्यादा? किसी प्रत्याशी से मेरा कोई लड़ाई नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, कोई टक्कर नहीं है। अच्छा, क्या नाम है सर आपका? तेज प्रकाश जायसवाल। जायसवाल जी, यहाँ क्या माहौल होने वाला है इस बार? देखिए, यह माहौल नीलेश जायसवाल का है, ठीक। कोई सिंबल उम्बल का माहौल नहीं है। कोई सिंबल खरीद लेने से वो समाजवादी नहीं हो जाएगा। यहाँ की जनता जानती है कि कौन समाजवादी है। जनता बेवकूफ नहीं है, वो जानती है कि नीलेश जायसवाल पक्के समाजवादी पार्टी के सिपाही है और चुनाव जीतने के बाद भी साइकिल पर ही सवार होंगे। और जो बनावटी रूप में टिकट को खरीद के लाए हैं वो कल भाजपा में थे, फिर बीच में ओम प्रकाश राजभर के पार्टी में गए। वो दलबदरू लोग हैं, वो तजिया फूकने वाले लोग हैं, वो मुसलमानों को लड़ने वाले लोग हैं, वो यादव के ऊपर मुकदमा लिखवाने लोग हैं, वह समाजवादी कतई नहीं हो सकते। और 4 तारीख को गौरी बाजार की जनता रिक्शा चुनाव चिन्ह पर इतना मोहर लगाएगी कि यह सब बिल में घुस जाएंगे। बिल में घुस जाएंगे। देखिए, भाई साहब का तो बड़ा बयान रहा। चाचा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जेपी जायसवाल, जायसवाल समाज के जिला अध्यक्ष है। नीलेश जायसवाल मेरा सगा छोटा भाई है और जनता इसके ऊपर उमड़ बैठी है। और नीलेश जायसवाल बाप दादा के समाजवादी हैं। कोई रुपया देके खरीद के आ जाए, नीलेश जायसवाल का झंडा जो दिल्ली बम्बई जाता है ट्रेन से, सालों साल देखता है समाज झंडा लड़ती है, वो नीलेश जायसवाल है। इस बार बहुत लोग विपक्षी कह रहे हैं कि लड़ाई में नहीं रहेंगे, लेकिन आपको क्या लगता है, लड़ाई में है या नहीं है? 4 तारीख को ही 5 तारीख को मालूम हो जाएगा नीलेश जायसवाल का क्या रिक्शा कितना तेज चल रहा है। हाँ, सारे विपक्षी अंदर के अंदर रह जाएंगे, रुपया रखा ही रह जाएगा। मेरा भाई नीलेश जायसवाल जिंदाबाद। जी सर, क्या माहौल है? हालांकि आपसे एक बार माहौल पूछ चुके हैं, लेकिन आज कार्यालय का उद्घाटन था, लेकिन इस उद्घाटन से क्या लगता है कि इस बार माहौल वाकई बदल जाएगा या बदल दिया जाएगा? जनता एकदम सड़क पर आ गई है। जनता ये बोल रही है कि कफल देने वाले का नाम नीलेश जायसवाल, लाश फूकने वाले का नाम नीलेश जायसवाल, अस्पताल में खून देने वाले का नाम नीलेश जायसवाल, सबको आवास देने वाले का नाम नीलेश जायसवाल, सबको प्यार देने वाले का नाम नीलेश जायसवाल, और असली समाजवादी नीलेश जायसवाल इस बार जीतेगा। इस बार जीतेगा, मतलब इस बार थोड़ा सा और जान लेते हैं हम आपसे, इस बार दावा क्या होने वाला है? क्या इस बार नगर पंचायत का हुलिया बदल जाएगा जीतने के बाद कि वही रहेगा? इस बार नगर के हुलिया हम वो बदलेंगे, कम से कम 50,000 आबादी का हम नगर पंचायत बनाएंगे। 50,000 नगर पंचायत बनाएंगे। यही देखिए, ये दो लोग रिक्शा वाले हैं। और हाँ, चाचा से जानते हैं, चाचा प्रमुख जी, एक बात बताइए कि इस बार माहौल बदलने वाला है या वही रहने वाला है, जैसे हम हर लोगों से पूछ रहे हैं? इस बार हर बार चुनाव से काफ़ी वोट पाकर नीलेश जायसवाल
अपना जीत हासिल करेंगे, क्योंकि वो इतना विकास किए हैं। जिस सड़क पर चल रहे हैं वो भी सड़क नीलेश जायसवाल की बनवाई हुई है, जिस उन्होंने 1700 आवास दिया है इस गौरी बाजार के गरीब हर जातियों को, इस कि इतना ज़्यादा वोट पाएंगे कोई उनको हराने वाला नहीं है। वो टिकट बेचें खरीदें उससे कोई असर नहीं पड़ने वाला, सपा भाजपा से कोई असर पड़ने वाला, कोई असर नहीं पड़ने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का जमानत जब्त नीलेश जायसवाल ने कराया था, उन्हीं की सरकार थी, इस बार भी हम जब्त कराएंगे, इस बार भी जब्त कराएंगे। बिल्कुल, देखिए सर दावा कर रहे हैं कि इस बार भी जमानत जब्त हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी का, विपक्षी तो बड़ा हावी है और कुछ लोग निर्दल जो ऐसे नीलेश जायसवाल जी निर्दल है, और देखिए पीछे कितने लोग हैं, और हम लोग इस समय गौरी बाजार के मार्केट में हैं, और टीवी समाचार ऐसे बेबाक खबरों के लिए जाना जाता है। टीवी समाचार को देखना है तो यूट्यूब पर जाएं, मतलब सोशल साइट पर जाएं, वहां लिखा है @TVSamachar, और लिखकर सर्च करें, सब्सक्राइब करें, बेबाक पत्रकारिता का साथ दें, समर्थन दें। तब तक के लिए लेते आपसे अलविदा, देखते रहिए टीवी समाचार, नमस्कार।